नंबर 10 सिंगाड़ा कुंटे में रहने वाला हूँ। पिछले 25-30 साल से यहाँ रह रहा हूँ। मेरे वालिदैन भी यहाँ रहते हैं। बहुत अफसोस के साथ आपको ये कहना पड़ रहा, कल जो है ना बहुत ख़तरनाक हादसा यहाँ पे गुजरा है। जो मेरे पीछे जो ज़मीन दिख रही वो एक यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये लोग बैठ के गुंडे चरस पीना, गांजा पत्ते खेलना, बहुत गंदा हर किस्म का शौक कर रहे, और यहाँ पे जीना हराम हो गया हमारा। आज तक हमारे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कोई डर नहीं हुआ, कोई जो है ना लड़ाई झगड़े का परेशानी नहीं थी, हमारे को बहुत कोऑपरेशन था। लेकिन आज ये नौजवान ऐसा हरकत करे, कल जो है ना एक कटिंग की शॉप में, एक दुकान में काम करने वाले के ऊपर छुरी लेकर हमला कर दिए, जिसके वजह से उसका फटके उसके अंतड़ी जो है ना बाहर आ गई। ऐसा जो है ना कमज़ोरों पे ये लोग जुल्म कर रहे। कल ये हादसा हुआ, पकड़ने के लिए हमारे पूरे बस्ती के नौजवान भागे तो वो ऐसा भाग गया, उसके हाथ में लंगी तलवार थी, वो जिससे भी जो है ना करीब आ रहा था, तो हमारे पूरा बुजुर्गों को भी जो है ना डरा रहा। लेकिन फिर भी हमारे गौस भाई ऐसा उसको लट से मारे, उसके हाथ में जो है ना मार लगा और वो छुटके भाग गया। हम पूरी कोशिश करें, हम तेलंगाना की पुलिस और ACP बंजारा हिल्स 3 नंबर पुलिस स्टेशन के कमिश्नर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मोहल्ले में आए, जायज़ा ले और CCTV कैमरेज का अरेंजमेंट करे, और जो है ना राउंडिंग के लिए, पेट्रोलिंग के लिए भेजे, और हमारा जीना जो है ना थोड़ा आराम से रहने जैसा करिए। हमारे माँ बहनों को हम घर को छोड़ के जाने से हमको अब डर हो रहा है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये मोहल्ले में हमारे ईसाई भाई है, मुसलमान है, हिंदू भाई है, सिख भाई है, आज तक हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम सब मिलके हैं। लेकिन आज ये नौजवान गंदे शौखा करने से चरस गांजा पीकर जो है ना लड़कर हमसे पैसा वसूल कर रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं। पीसफुल एरिया है ये बहुत पीसफुल एरिया है, और यहाँ पे जो है ना आज तक कभी कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन पिछले 2 साल से ऐसा कुछ हो रहा है। यहाँ पे हमारे भाई आंध्रा से और बिहार से, कलकत्ता से, UP से आकर काम करने वाले हैं, जो शाम में काम कर मजदूरी लेकर आते, उनके ऊपर जो है ना रुबाब बताकर पैसे वसूल कर रहे हैं, और वो पैसों से शौक कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि हमारे ACP साहब रोड नंबर 3 बंजारा हिल्स के आए और जल्द से जल्द क्विक एक्शन ले, और फ्रेंडली पुलिस की तरह हमारा जीना भी फ्रेंडली बना दीजिए। थैंक यू सो मच, यही कहना चाहता हूँ।